सो गाइस हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक और नए ब्लॉग में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये ब्लॉग की शुरुआत हो रही है ट्रेन से और असम बॉर्डर से, और हमारे साथ है जीजू जो खा रहे अभी, और ये है असम का बॉर्डर। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं असम को। अभी गुवाहाटी पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब दोपहर के 1:30 बजे, और अभी बज रहा है सुबह का 8:30। तो गाइस ये ब्लॉग लेट स्टार्ट करने का रीज़न ये है कि रात में बहुत ज़्यादा भीड़ था ट्रेन में, जिसकी वजह से मतलब ब्लॉग नहीं कर पाया, तो इसलिए मैं ये सुबह सुबह ये ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो तो आप लोग बने रहो हमारे साथ और हमारे साथ इस ब्लॉग का इंजॉय करो। तो फिलहाल अभी चलते हैं, खाते हैं, फिर बातें करते हैं। कैन यू इमेजिन, लाइक ये 3 समोसा 30 रुपए का है और ये 5 पूड़ी कितने का है? 50 रुपए का 5 पूड़ी। रेलवे वालों आप लोग कुछ करो, इतना महंगा समोसा और पूड़ी खिला रहे हो, नॉट फेयर। और गाइस फिलहाल गला बैठ रहा है इसी में रह रखे। तो फिलहाल अभी हम लोग पार्टी पहुँचेंगे दोपहर के 1:30 या 2 बजे तक पहुँच जाएंगे। अभी बज रहे हैं 8:30 और गुवाहाटी पहुँच कर हम देखते वहाँ को होटल वोटल देखेंगे। आज का कोई प्लान वैसा हमने किया नहीं क्योंकि हमारे लिए बिल्कुल नया जगह है, तो सोच रहे हैं कि देखते हैं जहाँ भी मौका मिले घूमने का उधर निकल जाएंगे। तो पहले जाते हैं होटल वोटल लेते हैं उधर पर, फिर चलते हैं कहीं घूमने को, फिर दिखाते हैं आप लोग को आज पूरा गुवाहाटी हमारे साथ असम देखना आप लोग भी, ठीक है। देखिए बहुत मतलब ट्रेन पे रश था अभी, बट अभी खाली हो गया। असम पहुँचते पहुँचते बहुत लोग मतलब मालदा, और जो लोग नहीं जानते मालदा फरक्का तो सर्च कर लेना आप लोग, तो मालदा फरक्का में बहुत लोग उतर गए आधे रास्ते बहुत लोग। तो ये ट्रेन लास्ट जाएगी कामाख्या तक, फिर कामाख्या से हम लोग कुछ लेंगे, जैसे कि क्या लेंगे वहाँ पर, टमटम देखते कुछ गाड़ी वाड़ी लेंगे वहाँ से, फिर हम लोग वहाँ से गुवाहाटी के लिए निकलेंगे। गुवाहाटी इज़ नॉट फार फ्रॉम देयर, लाइक 15 to 20 minutes अप्रॉक्स, लाइक हाफ एन आवर पकड़ के चलते हैं, तो हाफ एन आवर है वहाँ से। तो वहाँ से हम लोग जाएंगे गुवाहाटी को, फिर गुवाहाटी पर कोई होटल से देखेंगे। और आज तो खैर हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते शाम ही हो जाना है, तो देखते हैं अगर शाम में ऐसा मौका मिला तो गुवाहाटी पे थोड़ा बहुत घूम लेंगे, और कल के बारे में सोचेंगे। कल अगर कल मैं सोच रहा हूँ कि शिलोंग या मेघालय कर निकलते हैं, अगर निकलते हैं तो ये व्लॉग पूरा सुबह से एक नया व्लॉग बनेगा। और अभी तो खैर ट्रैवल वाला व्लॉग बन रहा है, तो हमारे साथ ट्रेन पर इंजॉय करो। और असम पहुँच गए, असम में अभी टाइम है ना, असम ओके। आई हैव पीपल ओवर हियर, हेलो हाय, ओके सो ओके। सो ये लोग आते हैं ट्रेन में वैसे हमेशा, अच्छा लगता है इनको दे दिया करो कुछ ना कुछ हमेशा, मतलब बस और कोई साधन नहीं होता है तो इनका जो आशीर्वाद होता है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा लगता है। तो कुछ जो भी आपके पास है 5-10 जो भी मिलता है तो आप लोग दे दिया करो इसको हमेशा। तो गाइस चलो गाइस थोड़े से सिनेमैटिक एंजॉय कर लो आप लोग, बाहर का थोड़ा नज़ारा देख लो। ऐसा टाइम पे ना हमारे साइड में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, बट असम आने के बाद ना मतलब इधर का वेदर देख लो बाहर पे, पता नहीं आप लोगों को पता चल रहा है कि एकदम मस्त ठंड है एकदम इधर पे, मतलब ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड है, मतलब मस्त मॉडरेट टेम्परेचर है। जो झारखंड वाले लोग फील कर सकते हैं, झारखंड बिहार वाले लोग, जो गर्मी हमारे साइड में पड़ती है ना इधर पे वैसा नहीं, इधर बारिश होता है। अभी मेरे को लग रहा है कि बारिश हुई है इधर पे, और देखते हैं कैसा रहेगा हमारा असम का फर्स्ट ट्रिप जो चल रहा था। और इधर क्या टेम्परेचर होगा इधर, कितना मेरे को लगता है कि 25-26 होगा, ज़्यादा नहीं होगा।
डायरेक्ट 45 डिग्री से 23 डिग्री पे आना, मतलब हमारे साइड पे तो इतना ज़्यादा गर्मी पड़ा हुआ था, और इधर पे अभी अभी देखा मैंने वेदर चार्ट तो 23 डिग्री दिखा रहा है, मतलब सही है। सो गाइस, ही इज द वन हेल्पिंग अस विद द लोकेशंस एंड एवरीथिंग, हमें बता रहे हैं हमें कैसे कहाँ जाना है, क्या करना है, किधर जाना है, तो ये हमें हेल्प कर रहे हैं। तो ये इसी कंपार्ट में रहते हैं ट्रेन पे, तो ये हमें हेल्प कर रहे हैं कि कैसे कहाँ जाना है। ही इज बेसिकली फ्रॉम गुवाहाटी, ये गुवाहाटी से, अब गुवाहाटी में कहाँ से है, गुवाहाटी में कहाँ से है, अच्छा मालीगांव से है, तो ये वहीं से है, तो इनको सारा कुछ पता है, तो इनसे ही पूछ रहे हैं हम लोग कि कैसे किधर जाना है और ये हमें लोकेशंस बता रहे हैं। फिल्म सब में ही मालेगांव का बहुत नाम है। हाँ आता है। बेसिकली ये बोडो ट्राइब से है, और बोडो ट्राइब वालों को वेरी वेरी थैंक यू, बहुत अच्छे होते हैं वो लोग, तो इन्होंने बहुत हेल्प किया हमें, मतलब सारे लोकेशन से लेके कैसे कहाँ जाना है, क्या करना है, इन्होंने पूरा अरुणाचल तक का बता दिया कि तुम लोग कैसे जाओगे, कैसे करोगे। थैंक यू टू हिम, यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। सो गाइस, फाइनली हम लोग कामाख्या स्टेशन पहुँच चुके हैं, और बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, पहुँच चुके हैं यहाँ पे अभी, और दिखाते हैं भीड़ आप लोगों को यहाँ पे किस तरह का भीड़ है। सो गाइस, फाइनली हम लोग उतर चुके हैं कामाख्या स्टेशन पे, और हम लोग अभी जा रहे हैं गुवाहाटी। ये है कामाख्या स्टेशन, और ये है यहाँ का टैक्सी स्टैंड, ये है यहाँ का टैक्सी स्टैंड। अभी हम लोग कैब के लिए वेट कर रहे हैं, कैब आ चुका है बट वो लड़का कहीं गया हुआ है, तो फिर चलते हैं। स्टेशन के बाहर लहराता हमारा फ्लैग, ये देखो हमारा इंडियन फ्लैग, एंड इधर स्टेशन, क्या मजे कर रहे हैं उधर, क्या टीरिया स्टेशन। सो गाइस, दिस इज गुवाहाटी, सो फाइनली हम लोग गुवाहाटी में हैं, एंड आई गेस कि ये पीछे साइड का पार्ट है, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है गुवाहाटी। ये रहा इंडियन फ्लैग, रात में गुवाहाटी का मार्केट कुछ ऐसा लगता है स्टेशन के आसपास पे, सब कुछ मिलता है। स्टेशन कपड़े वगैरह सब कुछ है इधर पर।